हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम राजलक्ष्मी नायर। आज से मैं कुकिंग रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। सो आज फर्स्ट डे एंड फर्स्ट रेसिपी है करके मैंने सोचा एक स्वीट डिश से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जो शेयर करने जा रही हूँ वो डिश का नेम है केसरी। केसरी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो देखते हैं ये कैसे बनता है। ओके, सो रवा केसरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है देखते हैं। रवा 1 कप, घी 1 कप, ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे जो लिया है वो कैशनट एंड रेजिन्स हैं। शुगर 2 कप्स एंड कार्डमन। कार्डमन एक्चुअली कार्डमन का पाउडर यूज़ करना है, ऑरेंज कलर या फिर सैफ्रॉन। सैफ्रॉन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन वाटर 2.5 कप्स। सो मेजरिंग के लिए मैंने ये बोल यूज़ किया है। सो 1 कप ऑफ रवा के हिसाब से मैंने 1 कप ऑफ घी लिया है एंड ये बोल के हिसाब से ही मैंने 2 कप्स ऑफ शुगर भी एंड वाटर भी। सो फॉर एग्जांपल जो बोल हम लोग यूज़ करेंगे वो बोल के हिसाब से ही हम लोग मतलब बाकी सब का मेंटेन करना है। सो अभी बनाने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैन हम लोग गरम करने रखते हैं। कुछ भी वाटर ड्रॉप्स होगा तो वो अच्छे से गरम होगा, वाटर ड्रॉप्स निकल जाएगा, नहीं तो फिर घी हम लोग जब पोर करेंगे तो ये उड़ने का चांसेस है। अभी मैंने ये जो पैन लिया है इसमें वाटर ड्रॉप्स है इसलिए मैं अच्छे से गरम करने रख रही हूँ। अभी पैन बहुत अच्छे से गरम हो गया है, मैं देख रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, पानी सब गया। सो अभी हम लोग इसमें घी डालते हैं। सो 1 कप ऑफ घी पोर कर रही हूँ मैं यहाँ पे अभी। अभी इसको अच्छे से गरम होने देते हैं। फ्लेम हमेशा याद रखना है, लो रखना है, और ये गरम होता है तब तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स को स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट करने के लिए मैं अभी यहाँ पे हाथ से स्प्लिट कर रही हूँ, देखिए कैसे करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर डाल के दे देंगे मतलब ये अच्छे से स्प्लिट हो जाएगा। अभी मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स जो है कैशनट मैंने पूरा स्प्लिट कर लिया हाथ से ही। सो अभी ये इसको हम घी में डालते हैं। घी अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं देखना है, तो उसके लिए अभी हम लोग टेस्ट के लिए एक छोटा सा पीस उसमें डाल के देखते हैं। तो अच्छे से गरम नहीं हुआ है घी, तो रोस्ट नहीं हो रहा है इसलिए, तो वेट करते हैं। घी अभी अच्छे से गरम हुआ है तो अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो स्प्लिट करके रखा है, और अच्छे से स्टेयर करना है। फ्लेम ऑफ करते हैं। और मैंने जो रोस्ट किया वो ड्राई फ्रूट्स मैंने बोल में चेंज कर दिया है। अभी नेक्स्ट रवा डालते हैं वही सेम घी में। सो 1 कप ऑफ रवा घी में डाल रही हूँ। इसको अभी अच्छे से रोस्ट करते हैं घी में ही, अच्छे से स्टिर करके देना है ताकि सारे घी पूरा रवा में मिक्स हो जाए।
बहुत अच्छे से रोस्ट करना है ये घी में ही, एकदम क्रिस्पी बनना चाहिए रवा। अच्छे से रोस्ट होने पे अच्छे एक एरोमा आएगा रवा, और अच्छे से इसलिए स्टिर भी करके देना है। फ्लेम हमेशा लो रखना है वरना ये बर्न होने का चांसेस है। अभी ये रवा अच्छे से रोस्ट हो चुका है घी में। हमेशा याद रखना है कि लो फ्लेम में रोस्ट करना, नहीं तो बर्न हो जाएगा। अभी इसमें वाटर ड्रॉप वाटर पोर करते हैं। सो 2½ कप्स ऑफ वाटर। एक साथ पोर नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। अभी 2nd कप ऑफ वाटर भी पोर करते हैं। अच्छे से स्टिर करके देना है ताकि वो वाटर में पूरा रवा मिक्स हो जाए, नहीं तो कुक भी नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं मिलेगा। अभी मैंने 2 कप्स ऑफ वाटर इसमें पोर किया था, अभी इसमें और 1/2 कप ऑफ वाटर भी मेजर करके पोर करते हैं। फ्लेम हमेशा लो रखना है। अभी इसको अच्छे से कुक होने के लिए वेट करना है, क्योंकि घी जो हम लोग ने इसमें पोर किया है वो घी सेपरेट होना चाहिए कुक होके। शुगर एकदम फर्स्ट में नहीं डालना है, और ये रवा ये वाटर में ही अच्छे से कुक होता है, इसलिए शुगर पहले नहीं डालना है। ये बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है। घर पे अवेलेबल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही इंग्रेडिएंट्स से ही ये रेसिपी सॉरी ये डिश अच्छे से बना सकते हैं। अच्छे से स्टिर करके देना है ताकि ये वाटर पूरा उसमें से इवाप्रेट हो जाए। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है कि घी सेपरेट होके आ रहा है ये रवा में से। एक बार घी सेपरेट होगा तो शुगर डालते हैं। अभी ये घी इसमें से सेपरेट हो गया है, उसका मतलब है ये कुक हो गया है ये वाटर में। अभी ये इसमें शुगर डाल के देते हैं। सो मैं ज़्यादा शुगर नहीं डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है, इसलिए मैं 1½ कप सी यूज इसमें शुगर डाल रही हूँ। अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 2 कप्स 2½ कप्स अपने टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से, अच्छा स्वीटनेस मिलेगा। और अभी ये शुगर में ही इसको कुक होना है, लाइक शुगर सिरप बन के इसमें कुक होने का वेट करते हैं। शुगर मेल्ट हो रहा है, अभी अच्छे से स्टिर करके देते हैं ताकि कुछ रवा इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से।
अच्छे से स्टिर करके देना है। ऐसे थोड़ा ऐसे स्टिर करके देंगे तो इसमें अगर रवा अगर इसमें मिक्स नहीं हुआ तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो अच्छे से स्टिर करके देना है। और स्टिर करने से नीचे पकड़ेगा भी नहीं पैन के। अब ये शुगर सिरप में ही कुक होने का वेट करते हैं टिल द घी सेपरेट्स। और हमेशा याद रखना है लो फ्लेम में ही कुक करना है। ऐसे स्टिर करते ही देना है। शुगर सिरप में कुक होके घी सेपरेट हो गया है तो अभी दिस इज द राइट टाइम। अभी अच्छे से स्टिर करके देते हैं फिर से। तो थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। सो अभी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है एंड घी भी सेपरेट हो गया है। सो इट्स लाइक यू नो, एक स्पून टेस्ट करने पे ही मतलब मुंह में ही मेल्ट होना चाहिए, तो ऐसे ये बनना चाहिए। तो अभी कलर डालते हैं इसमें। सो मैंने कलर यहाँ पे डाइल्यूट किया है, एक पिंच कलर ही बस हो गया। और एक स्पून से कम वाटर में मैंने एक पिंच कलर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट किया है। एंड अभी पोर करते हैं। ऑरेंज कलर, येलो कलर या फिर केसर भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें पोर करने के बाद अच्छे से स्टिर करते हैं ताकि पूरा मिक्स हो जाए, पूरा रवा में मिक्स हो जाए ये। और हमेशा याद रखना है फूड कलर जब यूज करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का यूज करना है। और अभी घर पे बना रहे तो यू नो कलर भी अवॉइड कर सकते हैं हेल्थ वाइज एंड ऑल। अभी मैंने यहाँ पे कलर इसलिए यूज किया है अट्रैक्टिव बनने के लिए। अभी इसमें एक पिंच कार्डमम पाउडर डालते हैं और ये डालने के बाद अच्छे से स्टिर करना है। फिर ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं जो रोस्ट करके रखे थे, और अच्छे से स्टिर करते हैं अभी लो फ्लेम में डाल के। और अभी लिड से क्लोज करके थोड़े टाइम वेट करते हैं क्या फ्लेम भी ऑफ करके। सो अभी ये जो कार्डमम सब जो डाला है इसमें यू नो पूरा एरोमा इसमें मिल जाए इसलिए लिड बंद करके फ्लेम भी बंद करके रखते हैं। बंद रख के 2-3 मिनट हो गया है, अभी ओपन करके देखते हैं। घी देखो सेपरेट हुआ है तो ये है इसका प्रॉपर। अभी इसको बोल में ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने बोल में ट्रांसफर कर दिया है जो रवा केसरी अभी बनाया है। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है करके। थोड़ा गरम है, बहुत टेस्टी है। मैंने 1.5 कप्स ऑफ शुगर ही यूज़ किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से 2 कप्स 2.5 कप्स ऑफ शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना है कि वो शुगर सिरप में अच्छे से कुक हो जाए जब तक घी दिखेगा तब तक। सो आप लोग को ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।
करना ट्राई करने के बाद, सो मुझे भी पता चलेगा। ये मेरा फर्स्ट रेसिपी है। ओके।